मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक 10 साल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा, उनको 235 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं क्या ये बहुमत है। कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे, मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है, तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने, 240। ये ईडी सीबीआई का आंकड़ा है, ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है। बीजेपी हार गई है, जो उनको सीटें मिली है वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की ताकत से मिली है, दहशत से मिली है। वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे, डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं, उनको सरकार बनाने का तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है, हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे, लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे।